कोई परीक्षा पास कर लेना, कोई पद हासिल कर लेना, सरकारी नौकरी हासिल कर लेना, लोग समझते हैं कि ये बुद्धिमत्ता यानी विद्वान लोगों का पहचान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई पद हासिल कर लेना, कोई डिग्री ले लेना, इससे यह साबित नहीं होता है कि व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होगा ही, तर्कशील होगा ही, उसे तर्क करना आता होगा, वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना जानता होगा। आइए आज आप लोगों को मिलवाते हैं एक ऐसे ही डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल से। आप लोग सुनिए, देखिए, ये अनपढ़ जाहिल लोग बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, डीएलएड कर लिए, टेट पास कर लिए, और फिर देखिए बात कैसे करते हैं ये, और ये कह रहे हैं कि लगातार जो है सारी बातें सुन रहे हैं, उसके बावजूद इतने सारी बातें बताने के बाद इनका देखिए कि मेंटल लेवल क्या है आज। ये आप लोग इनका सुनिए, इसके बाद एक और डालेंगे जो 69,000 में सिलेक्टेड हैं, उनका भी ऑडियो हम सुनाएंगे, और वो तो इनसे भी बड़े वाले, बिल्कुल, मतलब जो कहा जाए, जितना उनके लिए प्रयोग किया जाए जिन शब्दों का भी, वो कम होगा। खैर, अभी इसके बाद वो बाद में डालेंगे, पहले अभी आप लोग को इनकी ऑडियो सुनाते हैं, और देखिए ये कैसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो। सर, नमस्कार नमस्कार। सर, मथुरा से बोल रहा हूँ। ये आपका जो वीडियो आया था सर, ये कार्रवाई कब से शुरू होगी सर, बताइए। टेट पास की, टेट ऑल पास की, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, किस क्या कह रहे हैं? मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जो आप वीडियो डाला था ना आपने, टेट वर्क 2011 से लेकर 18 वाले, आपने अपने बारे में नहीं बताया कुछ। मैं मथुरा से बोल रहा हूँ सर, एचवी से, मैं अरे बीटीसी भाई, कल मथुरा से। ग्रेजुएट। हाँ ये बताइए, मथुरा से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, वो सब बाद में। तो मथुरा से बोल रहा हूँ सर, कब किए हैं बीटीसी? अच्छा, 2013 सर, 2017 प्राइमरी टेट कब पास हैं? दो सर, दो हजार हजार सत्रह सत्रह और 19 में सर। अच्छा तो फिर कहाँ क्या डाउट है? डाउट ये था कि 2011 से लेके 18 तो एक एक साथ हो जाएंगे एक टेट। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेरे टेट पास बहुत लोग हैं 2011 से लेकर 18 तक, अब कितने हैं? ये तो पता नहीं है, वो अनुमान आपने लगा कहा रहे लोग कह रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं, पूरी बात बताइए। हैं। ये कह रहे हैं कि इतने लोग कैसे होंगे 2011 से लेकर 18 कितने तक लोग, कितने लोग, आंकड़ों में बात कीजिए, कितने लोग, सर। कितने लोग, आप आंकड़ा तो कोई बोलिए। तो अब ये तो कोई ऐसे बताया नहीं कि बहुत जब ज्यादा है। पता आपको कुछ है नहीं, जिन लोगों का आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप हवा में खाली जो है ऐसे उड़ते रहिए। और जब यहाँ आंकड़ों के साथ हर चीज बताया जा रहा है, तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। यूट्यूब सुनते हैं कि नहीं? हाँ सुनते तो है सर। तो फिर जब आंकड़ों के साथ हर चीज बताया जा रहा है, तो फिर इतने कितने इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आंकड़ों पर बात कीजिए। तो सर ये कार्रवाई कब से शुरू होगी सर? ये अभी तो ये बीएड वाला जो है फाइनल होने जा रहा है, बीएड जब तक प्राइमरी में वैलिड नहीं होगा तब तक तो नहीं होगा, क्योंकि सबका होना है, अच्छा तो सबका होना है, उसमें कोई एक भी कहीं रुकावट आएगा तो सबका रुकेगा। अच्छा तो बीएड वाले जो 2018 का गजट रद्द हुआ है, तो उसके कारण तो सारा काम डिले हो गया भाई। तो चुनाव से पहले हो जाएगा सर? चुनाव से बाद चुनाव से पहले हो, चुनाव से बाद हो, इसका चुनाव से क्यों कनेक्शन जोड़ रहे हैं आप, ये बताइए। डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हैं चुनाव से पहले बाद? फिर कोई काम गवर्नमेंट शुरू करेगी, वो काम जो है एक दिन में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है। अब कुछ आप लोग ये कहते हैं कि चुनाव के बाद तो फिर कोई सरकार सुनती नहीं है पहले। हाँ ये बात आप बिल्कुल सही बोले हैं कि चुनाव के बाद जो है प्रलय आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, सरकार जो है ऑफिस बंद करके ताला लगा कर बैठ जाएगी, फिर कोई काम करेगी ही नहीं, है ना? वो तो नहीं है सर, चुनाव कब है? चुनाव कब है? चुनाव जैसे ये लोकसभा का है। कब है, कब? अब सुनने में तो ये आ रहा है, कोई बोलता फरवरी में, कुछ बोलते अप्रैल में, अब अरे तो क्लियर सन नहीं पता बोलने है। में क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, 2024 में ही है ना, 24 में। इसके पहले कब हुआ था लोकसभा वाला? 19 में हुआ था। तो 19 से अब तक कुछ कर ही नहीं रही थी सरकार, कुछ हो ही नहीं रहा था। 19 से अब तक कुछ भी होते हुए आपने देखा कि नहीं देखा? देखा तो है सर, सरकार कुछ कर रही थी कि नहीं कर रही थी 19 से अब तक? नहीं कर रही थी। कोई दिन का, एक दिन का अखबार कोई ऐसा बताइए, कोई तारीख बताइए 19 से अब तक, जिस दिन सरकार के कामों के बारे में अखबार में न छपा हो।
नहीं किया तो है, कार्य तो कर रही थी। चाहे जो काम कर रही थी, कर रही थी ना? हाँ कर रही थी। तो कौन मूर्ख कह रहा है कि चुनाव के बाद फिर नहीं करेगी? अच्छा वो कह रहा है, वो कह रहा है, छोड़िए, आपने तो देखा ना 19 अब तक काम करते हुए सरकार को। हाँ करते हुए देखा है, सुना है। तो क्या 2024 चुनाव में कुछ स्पेशल है कि 24 चुनाव हो जाएगा उसके बाद सरकार जो है सो जाएगी? अब ऐसे रूमर फिर कहते हैं लोग। अगर आप रूमर के जो है सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से, तो फिर आपका पढ़ना लिखना तो बेकार है, क्योंकि आपको, क्योंकि आपको ज्ञान पर अपने, क्योंकि आपको अपने ज्ञान अपने नॉलेज पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका क्या मतलब है? फिर आपने तो डिग्री तो सब जुगाड़ से ही लिया होगा 100%, रट्टा मारे होंगे या जुगाड़ किए होंगे, कुछ तो ऐसा किए होंगे। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, वो ये तो इसलिए तो आपसे डाउट क्लियर कर रहे हैं सर कि आपने, आपने अब तक जितनी डिग्री लिया है सब वन डे मैच खेले हैं आप, बस रात में रट्टा मारा, अगले दिन गए छापा फिर भूल गए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही है। अगर आपने पढ़ाई किया होता, सीरियसली पढ़ाई किया होता, पूरे वर्ष पढ़ाई किया होता, समझ कर पढ़ा होता, तो आपका बुद्धि विवेक काम कर रहा होता, रूमर्स के पीछे न भागते आप। लेकिन आप रूमर्स में कोई कुछ भी कह दे रहा है, अभी आपसे कोई व्यक्ति आपके आसपास आके कह दे भैया तुम्हारा कान लेकर कौवा भाग गया, पहले क्या करेंगे, कौवा पीछे भागेंगे या कान चेक करेंगे? चलो सर यही जानना चाह रहा था आपसे, मतलब कब तक ये कार्रवाई मतलब हो जाएगी शुरू? वैसे भाई कोई चीज आपको करना है क्या, उसके बारे में कोई और व्यक्ति बता पाएगा कि आप कब करेंगे, एग्जैक्टली कितने बजे करेंगे? वो तो जब आप करेंगे वो आपको ही पता है कितने बजे करेंगे। तो कोई भी चीज गवर्नमेंट जो है कब करेगी, किस तारीख को करेगी, वो तो वही बताएगी आपको। अगर जानना है, समझना है गवर्नमेंट की पॉलिसी को, तो उन्होंने लिख करके सब दे दिया है वो कब क्या करेंगे, एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसी में सब लिखा हुआ है कि क्या चीज कितने समय में होना है, तो उसको पढ़ कर एक आईडिया आपको मिल जाएगा। तो सर डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या तैयार करने पड़ेंगे जैसे? वो तो जब होगा तो आपको जानकारी हो जाएगा, गवर्नमेंट भी बताएगी विज्ञापन जारी करके। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, जाकर के पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें गवर्नमेंट ने सब कुछ डिक्लेयर कर रखा है कि कब करेगी, कैसे करेगी, क्या क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, हर चीज लिखा हुआ है। किसी और से न पूछिए, न किसी रूमर के पीछे भागिए। नहीं हम तो आपसे पूछ रहे सर, और तो कोई नहीं। तो हम जो है उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनको बताना पसंद करते हैं जो समझना चाहते हैं, जो जो है रूमर्स के पीछे नहीं भाग रहे, फालतू चीजों पीछे नहीं भाग रहे। आप तो रूमर्स और ये वो, आप तो जो है एकदम हवा में बातें कर रहे हैं। नहीं समझना चाहते सर, आप ही समझना चाह रहे हैं, तो आपकी वीडियो देखते हैं। तो वीडियो देखते हैं तो अब तक क्यों नहीं आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा भाई? हर किसी से हम कहते हैं कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, फिर उसके बाद कहीं कोई डाउट रह जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कौन से पेज भरे हैं? 108 पेज मात्र है। जैसे किताब में इंडेक्स होता है, शुरू में इंडेक्स है, आपको जो चीज की जानकारी चाहिए इंडेक्स में देख लीजिए, और फिर वहां बगल में पेज नंबर लिखा होगा उस पेज पर चले जाइए। चलो ठीक है, तो सर उसको पहले पढ़ लेते हैं। हाँ पहले पढ़ लीजिए कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग। अच्छा एक चीज बताइए, कल अखबार में अगर ये न्यूज आ जाए कि आप जहाँ भी रहते हैं, आपका जो भी गांव या शहर हो, वहाँ एक नया स्कूल खोलने जा रही है गवर्नमेंट, उससे क्या क्या आप अर्थ निकाल सकते हैं? अर्थ तो ये जब अखबार में आई है तो गवर्नमेंट मानेंगे कि होने जा रहा है सर। अच्छा और कुछ? और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को इसकी लाभ सुविधा मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा बढ़ेगी। और कुछ? अब ये चीजों का होगा कि मतलब हमारा बच्चों का विकास होगा, वहाँ जो जो भी रहे। और कुछ? बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, नजदीक सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा और बताइए कुछ? और तो सर बहुत सारी है, पर यात्रा तो यही है कि अपने जो है पढ़ाई का लेवल बढ़ा दीजिए, मंथन का लेवल बढ़ा दीजिए। जब गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ स्कूल खोलेगी, इसका मतलब है सबसे पहले वहाँ वो कोई ना कोई जमीन डिसाइड करेगी कहाँ पर खोलने वाली है। एग्जैक्टली जमीन जब डिसाइड हो जाएगा तो इसका मतलब फिर वहाँ बिल्डिंग बनेगी, जब बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ पर कुछ लोग काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। और फिर जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें जो है टीचर भी रखे जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो लोगों को नौकरी मिलेगी। जब टीचर रखे जाएंगे, बिल्डिंग बन जाएगी, तो बच्चों का एडमिशन भी होगा, वहां शिक्षा भी दिया जाएगा। अर्थ तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन आप जब इतना मंथन करेंगे सोचेंगे तब ना। तब अगर कहीं पर कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है
तो जिस लेवल से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, उससे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से जब जो हमने जो बताया, इस तरह से देखेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर किसी को पढ़ने के बस की बात नहीं है। 108 पेज है, वो लिखा जरूर है, लेकिन उसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो हजारों पेज बन जाएगा। बीएड का जो गजट था 2018 का, वो रद्द हुआ है। वो जो है नया गजट आने जा रहा है, बीएड वैलिड है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा, और ये होने के बाद जो है सारी चीजें होनी है, तो 2023 में होना है। 2-4 महीने हैं, इसी में होगा। हाँ, तो 18 को आने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है। वो बिल पास हो जाएगा, बीएड वैलिड हो जाएगा, फिर केवी का रिजल्ट वगैरह या अन्य जहाँ भी जो भी है। अभी देखिए बिहार सरकार ने जो है अपना रिजल्ट टाल दिया, डेट आगे बढ़ा दिया कि अक्टूबर में देंगे हम रिजल्ट। क्यों? वो भी वेट कर रहे हैं बीएड वैलिड हो जाए तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, ठीक है। तो हर चीज को अच्छे से जानकारी रखिए, उसके बाद मंथन किया कीजिए, दूर तक सोचा कीजिए। ठीक है, चलो ठीक है सर, ठीक है, रखें फिर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। इस टाइप के महामूर्ख लोग कॉल न करें, सिर्फ सुन लिया करें, समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज अपना रास्ता पकड़ें। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ डिग्री वाले नहीं, डिग्री के साथ पढ़ाई भी जिसने किया है। ये भाई साहब जो है सिर्फ डिग्री हासिल किए हैं, वैसे भी ये डीलेड वाले हैं, तो डीलेड वालों का, बीटीसी वालों का पता ही है मैक्सिमम उसमें किस तरह के लोग हैं। कोई इंट्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरह के लोग जो है जिनके पास बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, वो कॉल न किया करें। साफ साफ बोल रहे हैं, बैल बुद्धि लोग कॉल न किया करें। हमें कोई इच्छा नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की, न इनको हमें समझाना है। वो अपना रास्ता पकड़ें, वो अपना खुद देखें क्या करना है क्या नहीं करना है।